फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, इंतजार की घड़ी खत्म होती है एंड ये डेट्स, प्राइसिंग सब कुछ आ चुका है और आप लोगों को जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड आई होप आप लोग जो है अच्छे प्राइस में आईफोन्स परचेज कर पाओ। एंड अगर बाई चांस पॉसिबल नहीं हो पाया तो ये आईफोन 15 का जो है गिव अवे यहाँ पे जो है हम लोग अनाउंस कर चुके हैं एंड ये फोन आप में से किसी एक लकी विनर का हो सकता है। जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए पार्टिसिपेशन स्टेप्स हैं और जाके फॉलो करो। कभी कभी लक का नहीं पता होता, हम लोगों को उम्मीद नहीं होती कि यार गिव अवे जीतेंगे, बट कभी कभी कुछ भी हो सकता है तो आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल डेट की। कोई बोल रहे हैं 12th October, कोई बोल रहे हैं 10th October, तो जो सेल स्टार्ट होने वाली है वो होगी 10th October को, अमेजोन ने रिवील कर दिया है। फ्लिपकार्ट ने बेशक नहीं किया, बट ये चीज भी जो है 100% श्योर है कि फ्लिपकार्ट अमेजोन सेम डेट पे जो यहाँ पे सेल रखने वाले हैं एंड प्राइम मेंबर्स एंड प्लस मेंबर्स के लिए सेल स्टार्ट होगी 9th October को, मतलब कि 8 October को रात को 12 बजे। एक तरीके से 9th October ही हो जाएगी, वो 15 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता बिकॉज उस टाइम पे आपको आईफोन परचेज करना है कम प्राइस पे एंड ये जो प्राइसिंग होगी वो बहुत ज्यादा कमाल की होगी। और अगर हम लोग ये डिस्कस कर ले कि कौन से आईफोन सेल में फीचर होने वाले हैं तो थोड़ी सी बैड न्यूज़ है और थोड़ी सी गुड न्यूज़ भी है। पहले गुड न्यूज़ बता देता हूँ, अमेज़न ने जो है आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स पांचों ही फोन्स फीचर कर दिए हैं सेल में, जबकि फ्लिपकार्ट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया बिकॉज फ्लिपकार्ट को पता है कि जो प्राइसिंग मैं दूंगा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। टीजर अभी जो है नहीं आया, लेकिन एक बैड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि आईफोन 11, आईफोन 12 जो कि अमेज़न पे फीचर होने वाले थे वो यहाँ पे अमेज़न ने बिल्कुल भी पुश नहीं किया है एंड हो सकता है शायद हम लोगों को आईफोन 11 एंड आईफोन 12 इस साल की बिग बिलियन डे सेल में देखने के लिए ना मिले, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा। लेकिन मेरे को फ्लिपकार्ट से अभी भी कुछ ना कुछ उम्मीद है, आईफोन 11 या आईफोन 12 में से एक फ़ोन जो आपको सेल में देखने के लिए मिल सकता है एंड होपफुली वो आईफोन 12 होगा। शायद आईफोन 11 अब बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो ये आपको जो है सेल में फीचर होते हुए फोन्स देखने के लिए मिलेंगे। प्राइसिंग पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताता हूँ, अब जब भी आप लोग शॉपिंग करोगे स्पेशली इस सेल के टाइम पे तो आपको एक्स्ट्रा कैशबैक और सेविंग्स मिलेंगी एंड वो भी सिर्फ एक ही ऐप से, वो है कैश करो। कैश करो इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक एप्लीकेशन है, फंडेड बाय मिस्टर रतन टाटा, और यहाँ पे आपको जो भी कैश मिलता है वो बिल्कुल रियल है, मतलब जो भी कैशबैक होता है वो बिल्कुल रियल है जो कि आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे 1500 प्लस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि अजियो है, अमेजोन है, मिंत्रा है, जहाँ पे आप कुछ भी शॉपिंग करोगे आपको कैशबैक मिलेगा और आप सिंपली ट्रांसफर कर सकते हो अपने अकाउंट में एंड सेम आप जो है सेल के टाइम पे कर सकते हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक है, आपको जो है सिंपली कैश करो को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, मेरा कोड यूज करना है Apple25 और कोड यूज करने के बाद आपको जो है 25 रुपीज का साइन अप बोनस मिल जाएगा। अपनी फेवरेट वेबसाइट चूज करनी है और वहां से अपने प्रोडक्ट को जो है परचेज कर लेना है, कैशबैक आ जाएगा और कैशबैक आते ही जो है आप सिंपली उसको ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और बहुत सारा कैशबैक जो है इंजॉय कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की। प्राइसिंग तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने आप लोगों को फोन्स बता दिए कि कौन से फोन जो है वो फीचर होने वाले हैं। तो सबसे पहले आईफोन 12 की बात करें, अराउंड 34,000-33,000 आप लोगों को जो प्राइसिंग देखने के लिए मिल सकती है। इससे कम प्राइसिंग जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज आईफोन 12 डिसकंटिन्यू ज़रूर हुआ है बट अभी भी एक 5G आईफोन है एंड 13, 14 में कंपैरेटिवली बहुत बड़ा डिफरेंस आ ही जाता है, तो आपको आईफोन 12 जो है इतना बेस प्राइस देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। वहीं पे आईफोन 13 की बात करते हैं, आईफोन 13 का आपको एक अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा अमेजोन पे एंड प्राइसिंग हो सकती है 42,000 रुपीज़ से लेके 44,000 रुपीज़। अब मैं 2,000 रुपये आपको क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ, बिकॉज वो टोटली डिपेंड करता है कार्ड के ऊपर। वैसे जो कार्ड है वो आप लोग अमेजोन पे यहाँ पे देख सकते हो एंड ये कार्ड आपको फीचर होता हुआ दिखेगा, अगर आपके पास होगा तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना अराउंड 44,000 रुपीज़ जो आईफोन 13 की प्राइसिंग रहेगी। उसके बाद आईफोन 14 पे आते हैं, आईफोन 14 फ्लिपकार्ट देगा, अमेजोन जो प्राइसिंग देगा वो आप लोग, मतलब अभी के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता बट इतनी कन्विंसिंग नहीं होगी एंड प्राइसिंग होगी 48,000 रुपीज़ फ्लिपकार्ट पे, आईफोन 14 प्लस 58,000 रुपीज़ फ्लिपकार्ट पे, आईफोन 14 प्रो जो है वो अमेजोन पे आपको देखने के लिए मिल सकता है एंड सेम विद आईफोन 14 प्रो मैक्स। अब यहाँ पे टीजर देखें तो आपको डैश 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 और 99 देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि ये जो अमाउंट है, ये जो प्राइस है वो 99,000 रुपीज़ से नीचे नहीं होने वाला एंड ये एक बैड न्यूज़ हो सकता है जिनको शायद प्रो या प्रो मैक्स लेना था। अगर मैं आईफोन 14 की बात करूँ
और यहाँ पे प्राइस जो है एक्सपेक्टेड हो सकती है आईफोन 14 प्रो की 1,02,000 या 3,000 एंड 1,08,000 या 9,000 आईफोन 14 प्रो मैक्स की। तो ये जो है कुछ प्राइसिंग होने वाली है। आईफोन 11, आईफोन SE बहुत सारे लोग शायद जानना चाहते थे प्राइस, बट मे भी आपको ये फोन देखने के लिए नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारी वीडियोज आएंगी इस चीज से रिलेटेड, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना। आपके जो भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड कैश करो को आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो, उसका भी लिंक आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। बस इतनी मेरी आज की वीडियो, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।